हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर स्प्रेड की। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैलेंडर स्प्रेड को एडजस्ट करने का एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सा तरीका कि आप किस तरह से एक कैलेंडर स्प्रेड को एडजस्ट कर सकते हो, उसकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हो। देखिए, किसी भी स्ट्रेटजी को समझने या जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि उसको यूज कब करना है। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सी स्ट्रेटजी किस टाइम पे फिट होगी या किस वॉलेटिलिटी एनवायरमेंट में आपको उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना चाहिए, तो फिर आपके लिए उस स्ट्रेटजी को जानना बिल्कुल वर्थलेस है, वो आपके कोई काम के नहीं है। क्योंकि अगर आप हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में लो विक स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हैं या लो विक्स में हाई विक स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हैं, तो आप स्ट्रेटजी को तो जानते हो लेकिन वो कभी भी आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो स्ट्रेटजी आपको कब यूज करनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी को जानने से ज्यादा जरूरी यह है कि आपको यह पता हो कि वो स्ट्रेटजी मुझे कब यूज करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल के मेंबर्स के लिए एक अनाउंसमेंट है, जो सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट में चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है कि कल हम इवनिंग में एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसका टॉपिक क्या होगा, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन आप अपने सभी सवाल सभी क्वेरीज के साथ रेडी रहिए, कल मैं आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करूंगा। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं ओपस्ट्रा के स्क्रीन पर, और अभी 25 अगस्त की सीरीज चल रही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करके देखेंगे। तो कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, जो नियर एक्सपायरी होती है उसका ऑप्शन हम सेल करते हैं, और सेम स्ट्राइक को जो फर्दर एक्सपायरी होती है उसमें हम बाई करते हैं। तो नियर एक्सपायरी कौन सी है, 25 अगस्त है, ये तो मंथ एंड एक्सपायरी है। नियर एक्सपायरी है 11 अगस्त की, जो वीकली एक्सपायरी है इसमें हम चलते हैं। और मार्केट अभी कहां पे ट्रेड हो रहा है, 17400 पे। मान लीजिए आपका व्यू है कि निफ्टी अगले वीक में गिर सकती है, नीचे आ सकती है, तो आप क्या करोगे, एक पुट कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करोगे। तो आपका व्यू है कि मार्केट नीचे आएगा, तो उसको आप कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू कैसे ट्रेड कर सकते हो वो अब समझिए। तो आपको क्या करना है, 17400 जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, इससे नीचे जाके, और अगर आप एक पुट कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करते हो, तो ये जो कैलेंडर स्प्रेड है इसका नेचर बेयरिश हो जाएगा। अब अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो कैलेंडर स्प्रेड जो होता है उसके थ्रू आप डायरेक्शन को भी प्ले कर सकते हो। बेसिकली लोग यही कहते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड होता है ये एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कैलेंडर स्प्रेड को यूज करके और डायरेक्शन को भी प्ले कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मार्केट 17400 पे है, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो मैं 17400 से नीचे जाऊंगा और 17200 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा, जिसका प्रीमियम 70 रुपीज है। तो इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया, तो 17200 का एक पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है वीकली सीरीज में। अब मैं क्या करूंगा, मंथ एंड सीरीज में जाऊंगा, 25 अगस्त की सीरीज में मैं जाके और क्या करूंगा, 17200 का पुट ऑप्शन जो मैंने वीकली सीरीज में सेल किया था वही मैं बाई कर लूंगा मंथ एंड सीरीज में। तो यहां पे मैं इसको बाई कर लेता हूं, तो एक लोट मैंने सेल किया था वही एक लोट मैंने बाई कर लिया। आप देखिए, मैंने 17200 स्ट्राइक सेम रखी है, मंथ एंड सीरीज में जो ऑप्शन मैंने बाई किया है उसी स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल किया है वीकली सीरीज में। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ये है एक पुट कैलेंडर स्प्रेड। मार्केट कहां पे, 17400 पे। और अब आप देखिए इसका नेचर क्या है, अगर मार्केट नीचे आया तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो ये कैलेंडर स्प्रेड है, इससे मैंने डायरेक्शन को भी प्ले किया है। मेरा व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उसको प्ले करने के लिए मैंने क्या किया, एक आउट द मनी का पुट कैलेंडर स्प्रेड मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब आप देखिए, मार्केट नीचे आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 5700 रुपीज का, और मैक्सिमम लॉस कितना है, 6700 रुपीज का। लेकिन जब आप एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करो तो ये आपको मैक्सिमम लॉस को देख के डर नहीं जाना है। बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड में आपको ये सब देखना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि एक वोलेटिलिटी स्प्रेड होता है। कैलेंडर स्प्रेड वोलेटिलिटी से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। आपका जो ब्रेक इवन है, जो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है, ये एक्सपेंड भी हो सकती है, ये श्रिंक भी हो सकती है। मार्केट में वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो आपको कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉफिट होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी अगर गिरती है तो आपको कैलेंडर स्प्रेड में लॉस होगा। तो आपकी जो रेंज है, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस है, ये घटता बढ़ता रहता है मार्केट में वोलेटिलिटी के हिसाब से। लेकिन फिर भी यहां पे आपको जो रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है 1:0.86, ये इतना नहीं है, ये असल में आपका ऑलमोस्ट 1:2 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑप्स्ट्रा ये अज्यूम करके चलता है कि जो नियर एक्सपायरी है 11th अगस्त की, उसी दिन जो 25th अगस्त का ऑप्शन जो हमने बाय किया है ये भी जीरो हो जाएगा, और उसी के हिसाब से 6700 रुपीज का लॉस दिखा रहा है, लेकिन असल में आपको 3000 रुपए के आसपास का लॉस होगा। आपका जो मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में है वो 3000 के आसपास का होगा। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रियल में इससे बहुत बेटर होगा। तो देखिए, ये मैंने एक पुट कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया है। अब आप एक कैलेंडर स्प्रेड को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता
चाहता। आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका कि कैलेंडर स्प्रेड को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और आप एक कैलेंडर स्प्रेड को डबल कैलेंडर स्प्रेड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है ये है एक पुट कैलेंडर स्प्रेड, आप एक डबल कैलेंडर स्प्रेड को भी ट्रेड कर सकते हो। तो जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही है कि इस कैलेंडर स्प्रेड को मैं डबल कैलेंडर स्प्रेड में किस तरह से कन्वर्ट करूंगा। तो मान लीजिए आपका ट्रेड लेने के बाद व्यू बदल जाता है कि मार्केट हो सकता है ऊपर भी चला जाए। देखिए मार्केट अगर नीचे जाता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में आ रहा है। और ये जो आपको यहां पे लॉस दिख रहा है इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां आने से पहले मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में से होके जाएगा। तो यहां पे मार्केट के पहुंचने से पहले यहां आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा, आप यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तब आपको लॉस होगा, क्योंकि आपका जो ट्रेड है इसका नेचर बेरिश है और मार्केट ऊपर गया तो आपको लॉस होगा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां आप इसको एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कैसे करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए मार्केट 17400 पे है और मैंने 17200 का एक कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, 17400 से 200 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 17600 का एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो कैलेंडर स्प्रेड है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में और मेरी जो प्रॉफिटेबल रेंज है ये और बढ़ जाएगी। अभी जो मार्केट है ये एकदम एज पे है लेकिन ये बिल्कुल एकदम बीच में आ जाएगा। तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो हम वीकली सीरीज में चलेंगे, जो नियरर एक्सपायरी होती है उसका ऑप्शन हम सेल करते हैं। तो 11 अगस्त की जो वीकली एक्सपायरी है उसके मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर ली है और मार्केट कहां पे 17400 पे। तो यहां से 200 पॉइंट मैं ऊपर जाऊंगा और 17600 का जो कॉल ऑप्शन है जिसका प्रीमियम 55 रुपीज है इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, मंथ एंड एक्सपायरी में जाऊंगा, 25 अगस्त की एक्सपायरी में मैं जाके और क्या करूंगा, जो ऑप्शन मैंने सेल किया है वीकली सीरीज में उसी को मैं बाय करूंगा सेम स्ट्राइक को। तो 17600 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था 55 रुपीज में 11 अगस्त की एक्सपायरी में। अब मैं क्या करूंगा, मंथ एंड एक्सपायरी में 17600 का जो कॉल ऑप्शन है इसको मैं बाय करूंगा जिसका प्रीमियम है 170 रुपीज, इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है वो वाइड हो चुकी है। पहले आप देखिए मार्केट जो था वो एकदम एज पे था, अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर आता तो मुझे लॉस आना शुरू हो जाता। लेकिन अब आप देखिए आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड हो चुकी है, अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा और आपको लॉस आना कब शुरू होगा, ये देखिए आपका अपर ब्रेक इवन 17740 है। अगर मार्केट 17750 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तब आपको लॉस आएगा, उससे पहले आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। और अगर मार्केट इस रेंज में रहता है जो कि काफी वाइड है तो आपको वैसे भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने क्या किया, जो एक कैलेंडर स्प्रेड था उसको कन्वर्ट कर दिया एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो, आपके कैलेंडर स्प्रेड के अगेंस्ट मार्केट अगर जाए तो आप अपने कैलेंडर स्प्रेड को एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहां पे आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस दिख रहा है ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड में ये बदलता रहता है, मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से घटता और बढ़ता रहेगा। और जो 12,000 का आपको लॉस दिखाई दे रहा है ये इतना नहीं होगा, ये यहाँ पे ऑप्शन ये अज्यूम कर रहा है कि 11 अगस्त को जो 25 अगस्त के ऑप्शन आपने बाई किए हैं ये भी जीरो हो जाएंगे, लेकिन वो जीरो नहीं होंगे। और क्योंकि ऑप्शन ये अज्यूम कर रहा है कि जीरो होंगे उसी सबको कैलकुलेट करके और आपको लॉस 12,000 रुपीज का दिखा रहा है। तो असल में आपका जो लॉस है वो 12,000 रुपीज का नहीं होगा, उससे बहुत कम होगा। तो ये एक सेफ ट्रेड है, एक लिमिटेड लॉस ट्रेड है और दूसरा इस ट्रेड के थ्रू आप वोलेटिलिटी को प्ले कर सकते हो। तो ये होता है एक कैलेंडर स्प्रेड। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि किसी भी स्ट्रेटजी को जानना जरूरी नहीं होता, उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपको पता हो उस स्ट्रेटजी को यूज कहां पे करना है। देखिए एक निडल होती है एक सीजर होती है, सुई और कैंची दो चीज है। मान लीजिए आपके पास दोनों ही चीज है लेकिन आपको पता ही नहीं है किसको कहां पे यूज करना है तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल आपके पास एक निडल और एक सीजर दोनों है लेकिन आपको पता ही नहीं है किसको कहां पे यूज करना है तो फिर आपके लिए उनका होना ना होना बिल्कुल बराबर है। तो उसी तरह से अगर आप स्ट्रेटजी को जानते हो समझते हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि स्ट्रेटजी को यूज कहां पे करना है तो फिर आपके लिए उस स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं है। तो कल मैं एक मेंबर्स ओनली इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, इसमें जो चैनल के सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट के मेंबर्स हैं उनके साथ मैं लाइव इंटरेक्ट होऊंगा और कल हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होगा कि कैलेंडर स्प्रेड को हमें कब यूज करना चाहिए और कैलेंडर स्प्रेड को हम हेजिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं।
तो ये एक प्रीमियम कंटेंट होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक कैलेंडर स्प्रेड को एज ए हेजिंग कैसे यूज कर सकते हो, आपके जो ट्रेड्स हैं उनमें आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो एक कैलेंडर स्प्रेड की मदद से। देखिए लोग यही समझते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड है वो एक लो विक्स एनवायरमेंट स्ट्रेटजी है, जब विक्स कम होती है तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब एक कैलेंडर स्प्रेड को हाई विक्स एनवायरमेंट में ट्रेड करना चाहिए। जी हाँ, आप एक कैलेंडर स्प्रेड को हाई विक्स एनवायरमेंट में भी ट्रेड कर सकते हो, वो आपको कब करना है कल के वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा। तो कल के हमारे इंटरेक्टिव सेशन का यही टॉपिक होगा कि आपको एक कैलेंडर स्प्रेड को कब यूज करना चाहिए, हाई विक्स एनवायरमेंट में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, और एक कैलेंडर स्प्रेड को यूज करके आप हेजिंग कैसे कर सकते हो, अपने ट्रेड्स में एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो, ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल के मेंबर्स हैं, जो सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट में मेंबर्स हैं, उनके साथ ये एक लाइव सेशन होने वाला है, तो अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स के साथ रेडी रहिए और कल शाम को हम लाइव सेशन में इंटरेक्ट होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।